हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज मैं निकल गया हूँ नर्सरी, नॉट नर्सरी स्कूल वाली, बट द नर्सरी जहाँ पे हम लोग प्लांट्स वगैरह सब लेते हैं। सो मुझे एक्चुअली बहुत शौक है प्लांटिंग का, पहले भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। सो मतलब गार्डनिंग का बहुत शौक है, जहाँ प्लांट्स, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं हमारे घर में। इवन हमारी बालकनी में वी हैव अराउंड 40-45 प्लांट्स, हमारे टेरेस पे भी हम लोगों ने काफ़ी प्लांट्स रखे हुए हैं। सो मुझे बहुत शौक है, मैं लेता रहता हूँ, मतलब जब भी कभी फ्री होता हूँ, कुछ नहीं होता तो कुछ प्लांट्स ही ले लेता हूँ। सो कुछ प्लांट्स देखे थे मैंने ऑनलाइन, सो मैंने शेयर किए थे अपने जो हमारे गार्डनर भी हैं, माली जो है हमारे, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये प्लांट्स सही हैं, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, बट बहुत ही कॉमन प्लांट्स हैं। सो बट मुझे थोड़ा सा शौक है बड़े बड़े प्लांट्स रखने का, मतलब प्लांटर्स हों, बड़े प्लांटर्स हों, तो उसमें बड़े बड़े प्लांट्स हों, जो मैंने मेनली टेरेस के लिए, मतलब टेरेस पे रखता हूँ मैं, तो टेरेस क्योंकि काफ़ी ओपन स्पेस है वहाँ पे, सो बड़े प्लांट्स रख सकते हैं इजीली और अच्छे भी लगते हैं। सो कहीं पार्टी वार्टी करनी हो तो ग्रीनरी होनी चाहिए घर पे, तो बस उसके लिए मैंने कुछ प्लांट्स शेयर करे थे उनसे कि यार ये प्लांट्स मेरे को ला दो। तो उन्होंने फ़ोन आया था उनका कि मतलब प्लांट्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप नर्सरी में ही आ जाओ तो वहीं पर आपको दिखा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे देख लेते हैं, शायद कुछ और भी चीज़ें पसंद आ जाएं और रेट भी जेन्युइन मिल जाते हैं वहाँ पे। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मैंने कहा लोकेशन शेयर कर दो आप। तो उन्होंने लोकेशन शेयर कर दी, हार्डली 7 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, 20 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। सो बस वहीं जा रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या क्या प्लांट्स मिलते हैं, तो लेके आते हैं। और थोड़ी डांट भी पड़ेगी घर पे, क्योंकि मतलब वो कहते हैं कि आप प्लांट्स ही, जब देखो प्लांट्स ही लेते रहते हैं, तो कितने प्लांट्स लेंगे हम लोग। तो बस ठीक है, अभी जब तक स्पेस है तब तक तो ले सकते हैं, कि ऊपर टेरेस पे क्या टेरेस गार्डन कुछ बनाने का मूड है, तो धीरे धीरे इकट्ठे करते रहते हैं। जब इकट्ठे हो जाएंगे, काफ़ी सारे हो जाएंगे, तो थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा उन, तो फिर तो चलते हैं, बस पहुंच जाएंगे अभी 10-15 मिनट में, 5 मिनट्स हो गए मुझे निकले हुए। सो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिलती हैं और लेके आते हैं आज कुछ फिर से प्लांट्स नए। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए नर्सरी, और काफ़ी सारी नर्सरीज हैं यहाँ पे। सो आपको दिखाता हूँ, देखो आपको दिख रही होगी पीछे। सो काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स पड़े हैं। सो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्या क्या ऑप्शन हैं हमारे लिए। सो बनाते हैं अपने गार्डन को और भी सुंदर और भी ग्रीन। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं नर्सरी, और देखो कितनी बड़ी बड़ी नर्सरीज हैं यहाँ पे। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया प्लांट्स पड़े हैं। सेवन प्लांटर्स भी देखो वहाँ पे काफी सारे हैं। वारी बाम देखो कितना बड़ा है, कितना मस्त पड़ा है। ये कौन सा है? लोलीना पाम, तेल पाम। ये कितने का है? ये 1000 रुपए का, 12 इंची, इसमें 7। और ये आरी पाम कह रहे हो 4000 का? गाइस देखो ये आरी पाम, और ये इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम अभी दिया है वो? इसका क्या नाम है? ये फोस्टल पाम। फोस्टल पाम, ये इसके डिजाइन ही होते हैं फोस्टल, फोस्ट ये पीछे होता है ना फॉक्स, मतलब अच्छा पत्ते ही ऐसे हैं इसके। तो अभी लगेगा ना ये जब बड़ा होगा। तो ये है गाइस फोस्टल पाम, और ये अपना आरी पाम देखो कितना बड़ा है, बड़ा आरी का पाम है, और बड़ा ये चंपा है उधर रखे हुए। तो ये देखो चंपा रेड में है, फ्लावर दिख रहा होगा आपको रेड कलर का, ये आरी, ये चंपा है, और वो ये बिस्मार्की का पाम है, ये रखे बड़े बड़े पॉलिश पाम मिल जाए, ये देख लो बड़ा जो पाम है। इसका क्या नाम है? फोनिस। ये फोनिस पाम। हाँ, ये देखो ये बिस्मार्की है, सिल्वर पाम भी कहते हैं, बिस्मार्की पाम भी कहते हैं।
ये क्या रेट है फोनिस? फोनिस ये पड़ेगा आपको 3000 रुपए का। थोड़ी इसकी हाइट कम होगी वैसे रेट कम होते जाएंगे, 200 रुपए से मिल जाएगा। अच्छा, जितना लंबा इसका तना होगा उतनी रेट बढ़ते जाएगा। ये आम मिल जाएगा, आम लग रहे हैं 12 महीने आम रहेंगे। ओह अच्छा, आम भी है इसमें। छोटे ये वाला आपको मिलेगा 500 रुपये का, ये वाला मिलेगा 2500 रुपये का, और इससे बड़ा भी है उधर 5000 रुपये का। सो गाइस ये आम का पेड़ है, तो आम कौन सा है? हाई वैरायटी 12 मासी, साल भर फल रहता है। देखो इस पे फल है, इस पे फूल आ रहा है, हर टाइम रहेगा ये फल, जब तक पकेगा दोबारा फूल आ जाएगा। अच्छा, बेर मिल जाएगा 12 मासी, बेर लगे हुए हैं उस पर भी, और हाइब्रिड वाली बुगन बेल दिखाई है। ये सब हाइब्रिड की अभी कलर एक नीचे ले रहे हैं, पाँच कम से कम एक में पाँच एक कलर है, चार पाँच कलर है, ग्राफ्टेड है सारी। ये भी बेल है? हाँ बुगन बेल है। तो ये फैलेगी है? हाँ फैलेगी, तो बेल बनाओ, गोल बनाओ गोल बन जाएगी, नहीं तो कटिंग करते रहो। तो इसमें है ना चार पाँच कलर वाला? हाँ है, अभी दिखाओ। पर अभी फूल नहीं आ रहे ना, ग्राफ्टिंग है ना, ये देखो ना ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग करी हुई है ना ये। हाँ ये अलग का होती है, ये अलग है, ये अलग है, इस तरीके से। ये कितने का है? ये 1000 रुपये का। और नॉर्मल लोगे इसमें देसी वाला, वो आ जाएगा आपको 100 रुपये का सिंगल कलर। सो गाइस शॉपिंग हो गई हम लोगों की, प्लांट्स की, काफ़ी सारे प्लांट्स ले लिए हम लोगों ने, अराउंड 8-9 प्लांट्स ले लिए हैं, और अच्छे अच्छे प्लांट लिए, अभी दिखाते हैं आपको, और अभी घर भी आ जाएंगे, वो छत पे लगाएंगे हम लोग, तो आपको दिखाएंगे कौन कौन से प्लांट्स लिए हैं हम लोगों ने। तो काफ़ी वैरायटी है, देखो पीछे, देखो मेरे पीछे गमले पड़े हैं काफ़ी सारे, यहाँ देखो ये पीछे बड़े बड़े गमले पड़े हैं, तो खूब वैरायटी है, और रेट्स भी जेन्युइन है, मतलब जो उधर हमारे कॉलोनीज़ में आते हैं बेच रहे हैं, या फिर नर्सरीज, आपने रोड साइड नर्सरीज देखी होंगी, तो उससे काफ़ी बेटर रेट्स हैं, और काफ़ी वैरायटी है। तो ये देखो आप मेरे पीछे, देखो पूरी वैरायटी है। तो अभी हम लोगों ने बनाना ट्री भी लिया है, केले वाला, केले का पेड़ मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते और क्यूट साइज में है वो। और भी हम लोगों ने गुनेल लिया है, और पाम्स में 2-3 वैरायटी ली है हम लोगों ने, एक फोनिस पाम है और एक साइनस पाम है, फिर एक चंपा रेड लिया है हम लोगों ने, रेड कलर का फ्लावर आता है इसमें, और एक फ्लावर है, एक प्लांट है जिसमें चार कलर के फूल हैं, वो भी आपको दिखाएंगे अभी, तो वो भी लिया हम लोगों ने। तो हो गई अब शॉपिंग ऑलमोस्ट, बस अब अपन निकलेंगे यहाँ से, 5-10 मिनट में निकलते हैं बस। ये देखो ये हमारा केले का पेड़ है जो भैया जी निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग ऊपर अपने टेरेस पे लगाएंगे, देखो कितने हाइट के, देखो कितनी बड़ी हाइट है, और तो इन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पौधे में लगाया हुआ है, नीचे ग्राउंड पे लगा हुआ है, ये काफ़ी पुराना पेड़ है ये। और एक ये हम लोगों ने लिया है, तो ये बड़ा हो गया, काफी यूज हो रहा था, ये काफी सुंदर है ये। ये हम लोगों ने जो लिए हैं पौधे, ये गुनेल, और ये है साइनस पाम, ये है चंपा रेड, देखो इसमें रेड कलर का फ्लावर आता है, देखो पीछे देख रहे हो, और ये आपका फोनिस पाम, और ये है आपका, ये है वो हाइब्रिड, इसमें चार फ्लावर का फूल डाल रहा, और ये हमारा केले का, और ये दो छोटे छोटे प्लांट और हैं। सो ये सब ले लिए, गमले हम लोगों ने ये देखिए लिए 18 इंच के, अराउंड 10 पीसेस लिए, सुबह से भी घर पहुंच जाएंगे आज और कल के बीच में, तो छत पे लगाते हैं फिर इनको हम लोग। तो गाइस ये देखो हमारे एक प्लांट्स आ गए हैं, और बस अब इसको ऊपर चढ़ाएंगे टेरेस पे, काफ़ी देर हो गई, अराउंड 6 o'clock हो गए हैं, और अब आए हैं भैया काफ़ी दूर से रिक्शे पे लेके इसको, तो बस अब चढ़वाते हैं ऊपर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो कल आपको दिखाया था कि हम लोग के प्लांट्स
आ गए थे जो हम लोग ने कल नर्सरी में लिए थे जाके। सो कल वो आ गए थे घर पे और आज प्लांटर्स अब आए हैं हमारे पास, अभी बस पहुँचे हैं तो ऊपर चढ़ा रहे हैं छत पे वो। सो बस भैया लगा रहे हैं ऊपर, ये लेके आ रहे हैं प्लांट्स प्लांटर्स और इसमें जितने भी कल आए थे, जैसे ये पड़ा है आपके सामने और ये भी जो छोटे छोटे उसमें है, तो ये सब इसमें हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ये भी पाम है, ये भी इसमें लग जाएगा अभी। ये बनाना ट्री भी है जो वो भी इसमें लगा देंगे अभी हम लोग। देखो कुछ इसमें फ्लावर्स भी आ गए, नहीं तो सुंदर लग रहे हैं, वाइट में आ गए। देखो रोज भी आ रहे हैं यहाँ पे, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं रोज। इधर देखो ये इसी का ही अभी हम लोग बड़ा लेके आए हैं, ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये प्लांट है, इसमें भी यही सेम रेड फ्लावर्स आएंगे। कल एक था इधर गिर गया, ये देखिए ये निकलने शुरू हो रहे हैं। ये इधर है, इधर है, ये हम लोगों ने बेल लगाई हुई है। तो हमारा प्लान है कि ये लंबी हो जाए तो हम इसको आगे की तरफ फ्रंट में इसको फॉल करना है इसको, मतलब ये देखो ये आ गए हैं। टोटल 10 प्लांटर्स मंगवाए हैं हमने, काफ़ी हो गई अभी। ये देखो नेट भी हम लोगों ने लिया हुआ है, बट वो नेट थोड़ा तरीके से लगवाना है। सो प्रॉपर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे एक टेरेस गार्डन बनाएं इवेंचुअली, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा तो धीरे धीरे, और इसको थोड़ा सा कवर करवाएंगे ताकि सिटिंग भी हो जाए और ग्रीनरी भी रहे। ये मिट्टी भी आ गई है, मिट्टी खाद सब आ गया है, तो अभी बस भैया इनको लगाएंगे इसमें। तो गाइस ये देखो हम लोग ने गमले लगा दिए हैं, और इधर हमारा ये गुनेल है, नहीं गुनेल नहीं सॉरी, ये लाल चंपा, और ये बनाना ट्री हम लोगों ने इधर थोड़ा बांध दिया सपोर्ट के लिए, क्योंकि फ्रेश लगा है तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि हवा काफ़ी चलती है टेरेस पे। और बाकी भी ये देखो इधर हम लोगों ने, ये हमारा पुराना था तो ये हम लोगों ने बड़े में लगा दिया, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है इसकी। और ये भी हमारा ये लाल गुनेल है, तो ये भी हम लोगों ने बड़े में लगा दिया क्योंकि ग्रोथ हो गई है प्लांट्स की, तो उनको भी स्पेस चाहिए अगर आगे और ग्रो करना है। देखो ये वाला भी हमने, ये वाइट चंपा है, ये इसमें वाइट फूल आता है, तो ये भी हम लोगों ने बड़े में डाल दिया है ताकि ये भी जैसे अपने वो लाल चंपा देखा है तो वैसे ये वाला भी उतना ही बड़ा ग्रो करेगा। ये हम लोगों का मेरा फेवरेट, जिसमें हम लोगों के देखिए 3-4 कलर के फूल जाएंगे। देखिए ये लग रहा है कि पिंक है, एक इधर देखोगे अब ये येलो में थोड़ा आ रहा है। ये इधर पाम लगा दी हमने, और ये तो हमारे सारे पुराने हैं ही, और एक पाम हमने नीचे लगाया अपने ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो भी भैया गए हैं नीचे लगाने, और बस तब तक हम लोग पानी देते हैं पौधों को। और फिर एक ये रह गया अभी, ये हमारा दूसरे गमले में लगेगा। तो देखिए आई होप आप लोगों को भी सुंदर लग रहा होगा ये, अगर सुंदर लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और कोई प्लांट्स जो आपको लगता हो कि यार ये आप हमारे इसमें हम ऐड करना चाहिए हमें अपने टेरेस में, टेरेस गार्डन में, तो ज़रूर हमें बताना कमेंट करके। सो अभी लगे हुए हैं हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपने प्लांट्स, तो अभी तो काफ़ी स्पेस है हमारे पास इसमें और ऐड करने के लिए। सो धीरे धीरे कर रहे हैं, सो देते हैं पानी, देते हैं प्लांट्स को।
सब सब में पानी डाल रहे हैं हम लोग। तो गर्मी का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ जाता है, तो बहुत ज़रूरी है पानी देना। एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर देना चाहिए, बल्कि अगर हो सके तो गर्मियों में अगर आपके डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट्स पड़े हैं तो आप दो बार भी दे सकते हैं। और रेगुलर एवरी मंथ खाद और दवाई डालना ज़रूरी है अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए अपने प्लांट्स की। क्योंकि इन्हीं से ही देखिए ग्रोथ आएगी प्लांट्स में, और जितना आप केयर करेंगे उतने अच्छे बढ़ेंगे, और जितना बढ़ेंगे उतने खूबसूरत लगेंगे। सो गाइस, फाइनली हम लोगों के सारे प्लांट्स लग गए हैं, और देखिए टेरेस में थोड़ी रौनक तो आ गई है जरूर प्लांट्स लगने से, और ये देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई है। सो अच्छा लगता है ग्रीनरी हो घर में, मज़ा आता है। सो आई होप आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे हमारे प्लांट्स। सो अच्छे लगे हों तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा हमारे ब्लॉग में, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में जिनको गार्डनिंग का शौक हो, तो उनके भी फीडबैक हमें मिलेंगे तो हमें भी और कुछ सीखने को मिलेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर जल्दी मिलते हैं हम नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।